राष्ट्र संत गुरुजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय 27 फरवरी से 3 मार्च तक विश्व के कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान विषय पर विज्ञान सप्ताह मना रहा है। डॉक्टर सीवी रमन के सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्वविद्यालय के गणित विभाग के रामानुजन सभागार में विज्ञान सप्ताह का शुभारंभ सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में बोलते हुए राष्ट्र संत गुरुजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी ने कहा कि मानव समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुसंधान महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रकृति और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना समाज के सतत विकास के लिए शोध किया जाना चाहिए। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्र संत गुरुजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी ने की। इनोवेशन रिसर्च एंड पार्टनरशिप बोर्ड के निदेशक डॉक्टर राजेश सिंह, IQSE निदेशक डॉक्टर स्मिता आचार्य, समन्वयक डॉक्टर उमेश पालीकुंडवार, सह समन्वयक डॉक्टर विजय तांगड़े आदि मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्र संत तुकड़ूजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी ने कहा कि इस बार विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इन शताब्दी वर्षों में हम विश्वविद्यालय के समूचे नेटवर्क का उपयोग करते हुए इनोवेटिव अनुसंधान के माध्यम से स्थायी मानव विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कर रहे शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद खेड़ेकर, डॉक्टर प्रशांत गाढ़े, डॉक्टर संजय ढोबले, डॉक्टर कीर्ति कुमार रणदीवे, डॉक्टर दादा साहेब कोपरे, डॉक्टर निशिकांत राउत, डॉक्टर प्रकाश इटनकर, डॉक्टर रवि जुनाड़े, डॉक्टर वंदना सामंत, डॉक्टर रीता वटेटीवार, डॉक्टर विजय तांगड़े, डॉक्टर राजेश उगले, डॉक्टर अभय वरदादी, डॉक्टर अभय देशमुख, डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद, डॉक्टर पायल थावरे, डॉक्टर स्मिता आचार्य को सम्मानित किया गया। NBCN न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।